हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि ये एक शेयर है टाटा एलेक्सी और इसमें आप खरीदारी करिए। 1600 रुपये के लगभग का प्राइस चल रहा था और आज लगभग 2700 रुपये है, लगभग 10% की जंप। और रिजल्ट तो बेहतरीन दिए ही थे और कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग परफॉर्मेंस दिखा रही थी। और मैंने आपको बताया था इसमें खरीदारी करके चलिए, और विद इन 1 मंथ इसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न की बात कही तो बहुत अच्छा, मतलब 70-80% का रिटर्न कह सकते हैं कि इसने आपको दे दिया है। और आज भी मैं ऐसे ही दो शेयर लेके आया हूँ और दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। और मैंने पहले भी वो उन्हें रिकमेंड किया था, अगेन आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दो शेयर्स। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे और बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बनेगा वैसे वैसे वो शेयर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही IT बेस्ड कंपनी का है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल और आप सभी के चैनल में बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, तो इसमें आपका स्वागत है। और आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में डीमेट अकाउंट तो ओपन हो ही रहा है। एंजल ब्रोकिंग नंबर 1 फर्म है, ब्रोकिंग फर्म है, एज वेल एज SEBI रजिस्टर्ड है, 0 डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एज वेल एज कस्टमर सर्विस है। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं बहुत बेहतरीन शेयर है। ओके, अगर बात की जाए, देखिए 52 वीक लो मार्च में ही था, 995, और 52 वीक हाई की बात की जाए 2700-2800 रुपये। ओके, 15 मतलब लास्ट वीक ही हुआ था फ्राइडे को। और मैंने ये शेयर बहुत पहले भी आपको रिकमेंड किया था। क्या नाम है वो सब बातें करेंगे। एज वेल एज अगर बात की जाए आज के परफॉर्मेंस की, तो देखिए 22% की डिलीवरीज उठाई गई है। एज वेल एज अगर दूसरे शेयर की बात करूँ, दूसरे शेयर का प्राइस लगभग 4000 रुपये चल रहा है और 19 मार्च को देखिए 1200 रुपये के लगभग ये शेयर हुआ करता था। अगर बात की जाए तो लगभग 4 गुना शेयर विद इन 10 मंथ्स में हो चुका है ये। और अगर यहाँ पर देखिए आज के दिन कितनी 83-84% की डिलीवरीज उठाती हुई दिखाई दी है। अगर यहाँ पर देखें तो 3,34,472 शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरी बेस पे उठाया गया है। क्यों उठाया गया है, इसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी। और जिस शेयर से लिटरी बातें कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, पहला तो शेयर है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, बहुत बेहतरीन शेयर है। बहुत पहले ही बनाया था वीडियो, तब भी बताया था, कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि इस शेयर पे नज़र रखना, ये शेयर आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर ही इस शेयर ने आपको 20-25% के रिटर्न दिए है। और ये एक ऐसा बेहतरीन शेयर है कि अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में भी रखेंगे ना हमेशा के लिए, तो कोई गलत साबित नहीं होगी। 2016 में कंपनी आई थी, 700 रुपये पे शेयर देखिए होते हुए नज़र आता है लिस्ट। एज वेल एज अगर हम देखें 4000 रुपये पे शेयर विद इन 3 और 4 ईयर्स में दिख रहा है। पेरेंट कंपनी की बात करें लार्सन एंड टुब्रो, आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है, पेरेंटली ग्रुप इनका इतना बेहतरीन है। एज वेल एज बात करें दूसरी, तो दूसरी कंपनी जिसकी बात कर रहे हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, देखिए छोटी कंपनी है L&T। टाटा एलेक्सी से इसे सीधे कंपेयर करना चाहूँगा, इसे टाटा एलेक्सी भागती है तो ये भी भागती है। देखिए टाटा एलेक्सी कितना 9% भागी है, तो ये भी लगभग 9% ही आज के दिन भागी है। और इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इन दोनों कंपनी के आ रहे हैं रिजल्ट्स। ओके, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स आए थे, मैंने आपको बताया था, थोड़ी सा नीचे आया था, फिर उस दिन से पीछे मुड़ के देखा ही नहीं इसने, और आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नज़र आया है। इसी तरीके से मैं ये दो कंपनी भी आपको दोबारा रिकमेंड करूँगा कि ये कंपनी ऐसी कंपनी है, देखिए अभी तो हायर बहुत ऊपर लेवल पर चल रही है, डेली 9% 10% भाग रही है। और अगर इस टाइम लेंगे तो शायद आप कुछ टाइम के लिए फंस सकते हैं, फंसना इन द सेंस वैसे फंसना नहीं कहूँगा, कह सकता हूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में शेयर जा सकता है, दिख रहा है ना, कंसोलिडेशन फेज में इस तरीके से जा सकता है। और बट लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ये दोनों कंपनी इतनी बेहतरीन है कि अगर इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, IT के दिग्गज शेयर है, बहुत अच्छे रिटर्न्स रेवेन्यू कमा रहे हैं अपने ऑपरेशन के थ्रू, तो ये कंपनी आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई फ्यूचर में आपको नज़र आएगी। और बात करूँ तो बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आपको दे सकती है इस कंपनी को भी। देखिए उसी टाइम भी ये 2016 में यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, ज़्यादा नहीं 4 साल ही हुए हैं, और ये कंपनी ने भी देखिए यहाँ पर बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दिए हैं। और पेरेंटल ग्रुप देखिए लार्सन एंड टुब्रो ही है।
ओके, सर्विस इज इंजीनियर सर्विस कंपनी बेस्ड इन बड़ोदरा गुजरात। तो इन आईटी कंपनी ही हैं दोनों, बहुत बेहतरीन कंपनी है। एज वेल एज अगर हम की बात कर ले तो देखिए, लार्सन टोब्रो इन्फोटेक की बात करूँगा सबसे पहले। आरओसी 40%, 40% का मतलब आपको पता ही है कि 30% होता है, तो मतलब आप बहुत बेहतरीन रिटर्न कमा रहे हैं। 40% है तो आप उससे अच्छा ही रिटर्न कमा रहे हैं। और 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 20 साल के लिए भूल गए, तो आपके पैसे 10 करोड़, 30 साल में आपके पैसे 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो देखिए, लार्ज कैप की कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, देखिए 30% के लगभग ही है। कंपनी देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, थोड़ा सा इन्होंने अभी कर्ज लिया है। और ये जो कंपनी है सीधे टक्कर देती है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, इस कंपनी को ये सीधे टक्कर देती है। अगर यहाँ देखिए सेल्स की बात की जाए तो सेल्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आएंगे। और पिछले 12 महीने सितंबर की भी सेल देखेंगे तो लगभग देखिए यहाँ पर जून के लगभग ही है, बल्कि बढ़ती हुई नज़र आई है। 3,000 करोड़ की यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे ना, यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखिए हर साल से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें हुआ है, 686 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो 456 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो कि हर साल में अभी तक का सबसे हाईएस्ट है इस क्वार्टर का, सितंबर 2020 का। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस की, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस सेल्स की, देखिए सेल्स हमेशा बढ़ते हुए नज़र आए। पिछले 12 महीने में लगभग 11,771 करोड़ रुपये के तो सेल्स होते हुए नज़र आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 1383 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो हर साल से देखिए बढ़ता हुआ नजर आएगा, 1676 करोड़ रुपए का। तो हर चीज़ में कंपनी आपको मल्टी बैग, मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और एक साल में तो CAGR तो देखिए लेके आया 111%, 3 साल में 53%। और क्या चाहिए ऐसी कंपनी को? अगर पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे तो किस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखोगे? रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के देखिए रिजर्व 6,308 करोड़ रुपये हैं। बोरिंग डेट फ्री कंपनी थी ओके मार्च तक, बट अभी 2019 तक, अभी थोड़ा सा इन्होंने मार्च में लिया, फिर अभी दोबारा लेते हुए कि यहाँ पर बोरिंग दिख रही है 861 करोड़। बट कोई चिंता की बात नहीं है, क्यों नहीं है? कंपनी इतनी बेहतरीन है कि चिंता करने की यहाँ पर कोई आपको बात पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी कभी भी अपना डेट चुका भी सकती है और परफॉर्मेंस दे रही है। परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस कोई कंपनी दे रही है तो डेट कितना भी ले कोई परेशानी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लेगी 2959 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 59 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट, सॉरी करोड़ रुपीज़ में ये। कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 589 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट है। और टोटल एसेट भी देखिए बढ़ती हुई ही नज़र आई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 1644 करोड़ रुपये तक कैश है हाथों में इनके। तो ये देखिए कर्ज जितना भी हो चुका देंगे, कर्ज से ज़्यादा तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए 74.31% प्रमोटर्स के पास ही है। प्रमोटर्स कौन है? लार्सन एंड टुब्रो टेक्नो लिमिटेड। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए बढ़ाते हुए अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हर क्वार्टर में बढ़ाया है 13.29%। एज वेल DIS की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ा सा घटा दिया है 4.59%। ओके, DIS में आप देख सकते हैं UTI, मोतीलाल, HDFC, ये सारे ग्रुप हैं। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 7.81% की हिस्सेदारी है, जो कि उनकी घटती हुई नज़र आई है। ओके, क्योंकि उन्हें अच्छी कंपनी में रहना पसंद नहीं है, इसलिए तो 7.81% की हिस्सेदारी इनकी है। तो हर एक मामले में कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। एज वेल एज अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस की, तो देखिए मिड कैप कंपनी है और करंट प्राइस तो आपको पता ही है, दिखा दिया है। इसका भी ROCE 42 है और ROE की बात की जाए तो 31.4 है। तो ये तो लार्सन टुब्रो से भी ऊपर ही चल रही है। सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पर भी कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स देख लीजिए, हर साल में सेल्स बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। सितंबर में भी 1314 करोड़ रुपए की सेल्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए 233 करोड़ रुपए का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओके, एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 166 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। अगर बात की जाए हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो सेल्स देखिए बढ़ती हुई नज़र आई है। पिछले 12 महीने में 5478 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर सेल्स हैं। ओके, और प्रॉफिट की बात की जाए तो 993 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर टोटल की बात की जाए सब कुछ मिलाकर 692 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है पिछले 12 महीने में।
और इसकी भी देखिए CAGR 46 और 3 साल में 34% की CAGR है, तो दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करें तो कुछ बुरा नहीं है। रिजर्व्स की बात की जाए, रिजर्व्स भी काफ़ी बेहतरीन है, 3076 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। बोरिंग ऑब्वियसली कंपनी के पास है 530 करोड़ रुपए की, बट कंपनी ग्रोइंग है तो कोई परेशानी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट भी देखिए 1056 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट की बात की जाए यहाँ पर तो 277 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश एंड कैश इक्वलेंट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कैश फ्लो की बात की जाए 638 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो इनके पास है, और प्रोमोटर्स के पास देखिए सेम वही 74.27% की होल्डिंग जो कि सेबी का रूल है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए इसमें भी है 8.87, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6.40, पब्लिक 10.46। तो हर चीज़ में देखिए कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती आई है, और अच्छे अच्छे इनके आप देख सकते हैं HDFC, ये रिलायंस कैपिटल, ये सारे के सारे निपॉन लाइफ, सब ने अपनी हिस्सेदारी इसमें कम इन कंपनियों में बना के रखी हुई है। क्योंकि देखिए IT कंपनी है पहली बात, और IT कंपनी आगे चल के परफॉर्मेंस देगी देगी, और पिछले 2 दिन में शायद कल और परसों इनके रिजल्ट आने वाले हैं एक एक करके, तो इन कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखना। ओके, इसके रिजल्ट कल आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कल जंप करते हुए दिखाई देगा, और अब शायद पूरे रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नज़र आए, बट उसके बाद भागता ही नज़र आएगा, ये शेयर नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अगले क्वार्टर के लिए फिट तैयार रहना, ये फिर ये अगले क्वार्टर 4,000 नहीं और आगे आपको 5,000 रुपये शायद दिखे। तो कंपनीज दोनों अच्छी है, दोनों शेयर्स बहुत बेहतरीन हैं, इनकी तरफ नज़रें बना के रखिए। जैसे टाटा एलेक्सी आपको रिकमेंड किया था 1600 रुपये, आज तो 2700 चल रहा है, इस तरीके से मैं भी ये दोबारा आपको ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, अच्छे शेयर्स हैं, बट कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ एजुकेशन पर्पज़। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।